आप सभी को मालूम है ये दोनों उम्मीदवार मेरे सामने बहुत ताकत से लड़ रहे हैं कि दोनों के पास शक्ति है, धन है, कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास बस इतना ही है। हमारे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, कोई हीरो हीरोइन नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। मेरे पास श्री भाई बहन मुस्लिम दलितों की ताकत है, जो मंच पर मेरे भाई लोग बैठे हैं, मेरे पिता दुर्गा बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हीं की ताकत के भरोसे मैं आपके सामने मैदान में आया हूँ। कुछ दिन पहले मैंने टिकट का बोर्ड पाटलक किया, मुंबई दिल्ली कई बार चक्कर लगाए कांग्रेस की टिकट के लिए। हल्पा समाज को टिकट मिलना चाहिए, हमारे में से किसी को भी हल्पा समाज को टिकट मिले यह अपेक्षा से हमने 3 महीने से प्रयास किए। जब हमारे हल्पा समाज का नाम कटा तो हमारे मुस्लिम भाइयों का नाम सामने आया, आसिफ भाई कुरैशी, इनको टिकट फाइनल होने जा रही है। तो मुझे आज नंदा भाई परादे को पूछा, आपकी क्या राय है बोले दिल्ली में, मैंने बोला आसिफ भाई को जा रही, हमारी को खुशी है कि सदियों से हमारा हल्पा मुस्लिम भाइयों का रिश्ता चलते आ रहा है। हमने खुशी मनाया पर समय पर उनको भी धोखा दिया गया है। जो है कांग्रेस प्रत्याशी है, कहीं जाके ऊपर से उन्होंने टिकट लाया, हमारे अशोक राजी धापड़कर मंच पर आए। मैं उनके बारे में भी टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा, भाजपा के उम्मीदवार है उनके बारे में भी टिप्पणी टिप्पणी करूंगा नहीं। मैं 10 साल से नगर जो हूँ इस परिसर के अंदर में, 5 साल से मेरे बंगाली पंजाब मुजफ्फरपुरा लालगंज बसका साथ टांडापेट बांग्लादेश वहां से नगर से हुआ, अभी फिलहाल में प्रशासन का राज्य है, फिर भी मैं वही नगर सेवक की भूमिका निभाता हूँ। ये मंच पर बैठे मेरे मुस्लिम भाइयों, इनको पूछिए जब तक भी रमेश पेड़कर को याद किए, रमेश पेड़कर 5 मिनट में रिजल्ट के बाद पहुंचता है। मेरा कार्य चाहे कोई भी हो, प्रभाग के विकास के लिए कभी रुका नहीं, मैं लड़कर झगड़कर कार्य पूरा किया हूँ। और मुझे सभी लोग यहाँ पहचानते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, अंजान जगह में बहुत बोलना पड़ता है, अपनी पहचान की जगह है और अपने बारे में सारी जनता को पता होता है तो वह ज्यादा बोलना चाहिए। पर मैं मुस्लिम भाई और हमारे दलित भाई अल्पा मुस्लिमों में ये समाज बहुत गरीब तबके में, इसमें कुछ कुछ ही लोग बढ़े हैं, बाकी 80% लोग 80% लोग गरीब समाज की जिंदगी जीते हैं। इनके बच्चों को हमारे बच्चों को उतना एजुकेशन नहीं मिलता है। तो मैंने महानगर पालिका की स्कूल है इसमें बहुत प्रयास किया CBSE पैटर्न लाने की, तो मुझे वह सफलता नहीं मिली। CBSE पैटर्न है तो हमारी नागपुर महानगर पालिका के स्कूल के अंदर में गलित से दलित बस्ती में हमारे बच्चे CBSE पैटर्न में पढ़ के आगे बढ़ते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में लेने का एडमिशन तो 2-2 लाख रुपए डोनेशन बनते थे, यहाँ फ्री में होता था। मैंने सोचा 10वीं 12वीं पास होने के बाद में बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे अच्छे हम लोगों स्पीकिंग क्लासेस वगैरह जो भी ट्रेनिंग के स्कूल होते वो खोलने की अपने मन में मंशा बनाया हूँ। हमारे मियाँ हॉस्पिटल की हालत इतनी खराब है, 15 साल से हम के मैं 25 साल से देखता हूँ, जब भी मैं मियाँ हॉस्पिटल में जाता हूँ कोई पेशेंट के लिए तो सबसे पहले मेरा गार्ड से झगड़ा होता है, सिक्योरिटी जो होती है भैया अंदर मत जाओ, मैं बोलता हूँ मैं पेशेंट के साथ में आया हूँ, साथ में एक दो रहते रोकते हैं तो उनसे झगड़ के जाता हूँ। जब डॉक्टर को हम बताते हैं हमारा परिचय, हम ऐसे ऐसे जो डॉक्टर हिलते भी नहीं धुलते भी नहीं, लावण पेशेंट पड़े रहता है, क्योंकि यहाँ मेयर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जो संभाल रहे जो वहाँ के स्वास्थ्य के अध्यक्ष होते हैं मेयर हॉस्पिटल कमेटी के, वो डीला अध्यक्ष होना वो कई हॉस्पिटल की तरफ देखता है, कई एक्सरे मशीन खराब है, कई सोनोग्राफी मशीन खराब है, हर तरह की मशीनें खराब है वहाँ पर, ये भी सुविधा में पूरी तरह करने जाऊंगा। हमारे ढाका हॉस्पिटल है, हमारे बैठे वहाँ डिलीवरी सब होते हैं, वहाँ भी इतनी असुविधा है, मैं जब तक भी जाता हूँ हमें डॉक्टर से लड़ना पड़ता, किसी को प्राइवेट रोकते किसी का इलाज नहीं होता, किसी को बेड नहीं मिलता, रात बेरा तो अभी दौड़ते रहता हूँ। और मैं तो हर तरीके के आप सब लोगों को मालूम है मैं कोई भी समस्या हो लड़ इसके लड़ता हूँ। हमारे अंदर समाज की भी बहुत समस्या कठिन होती जा रही है, सदियों से लड़ते रहे 50 सालों से हमारा भी सवाल हल नहीं हुआ। हमारे मुस्लिम भाइयों का आरक्षण का विषय है, वो भी विषय के लिए मैं जनता होकर लड़ूंगा। मुझे मौका दिया मुस्लिम भाइयों ने और अल्पा भाइयों ने ऐसे चुनकर भेजा, दोनों की समस्या छुड़ाने की पूरी गवाही देता हूँ आपको और आखिर तक लड़ूंगा। समस्या नहीं छुड़ा पाता तो उसी समय मैं
क्या करूंगा ये आपको नहीं बताऊंगा। और मैं वैसा भी क्रांतिकारी भावने का नगर से हूँ, जंगल लड़ता हूँ, अधिकारी को मारपीट कर अपने वहां का विकास करता हूँ। उसी तरह ये दोनों समाज की समस्या के लिए मैं जी जान से लड़ूंगा, समस्या हासिल करने की कोशिश करूंगा। यही चाहता हूँ आने आने 20 तारीख को अल्पा मुस्लिम दलित ओबीसी बहुजनों का समर्पित उम्मीदवार हूँ। जब मैं उम्मीदवारी समाज को घोषित किया, मुस्लिम समाज में चर्चा होने लगी है अल्पा समाज का बहुत दमदार उम्मीदवार है। अगर इनका समाज पूरी तरह ताकत से लड़े और समर्थन दे तो हमारे मुस्लिम भाई रमेश पड़ेकर को वोट करेंगे। तमाम मुस्लिम भाइयों से मेरे बहुत संबंध है, मोहिनपुरा बंगाली पंजाब मुसलमानपुरा मेरा रांची नहीं है बैठना, यही चौक पर मैं 12-1 बजे बैठता हूँ मुस्लिम भाइयों के साथ में। मेरे हर तरीके के मोहिनपुरा जाता हूँ, 2 बजे भालतापुरा घूमता हूँ, सत्यनिवास चौक बैठता है, शहीद चौक बैठता हूँ, रात को 4 बजे घर को जाता हूँ। किसी का भी काल है तो थोड़ा उठ के जाने को अच्छा होता है, नगर सदरों सोए रहता है, बीबी उठानी आती है, कोई तुम्हें आए आपको बुलाने के लिए देखो देखो, अरे बोला सोने दे रहा तो बीबी पानी डाल देंगे हाथ पे, उठो उनकी जरूरत है उठो। इस तरह मेरे घर में ये नौमान है, हमारे घर वाले को भी कोई दुखी आता है कोई सुखी आता है उनके लिए उठाने का, उनके काम के लिए दौड़ने के लिए। तो मैं आने वाले 20 तारीख को ज्यादा नहीं बोलते इतना ही गुजारिश करूंगा मुस्लिम अल्पा दलित भाई है ओबीसी भाई है, 20 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह बैठ मशीन से सबसे नीचे का नंबर है 16 नंबर, उसके आपके बटन दबाकर प्रत्येक बहुमतों से विजयी करोगे, यही आशा या जमे हुए मेरे मतदाता मेरे भारतीय विधान से करता हूँ। जय हिंद जय विधान जय अभी धन्यवाद। गृह मंत्रालय संभाल रहे पर क्या हो रहा है हमारे मध्य नागपुर में, गृह मंत्रालय उसमें वाहतूक डिपार्टमेंट आ गया, ट्रैफिक भी आ गया। आज मध्य नागपुर में परिस्थिति देखो कि शहीद चौक पे जाओ, गांधी बाग में जाओ, गोलीबार चौक में जाओ, बंगाली पंजा चौक में आओ, मस्कासात में आओ, हर तरफ जो ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि गृह मंत्री रहने के बाद में भी और हमारे विकास बाबू कुंभारे रहने के बाद में भी हर चौक में यहाँ पुलिस वाले रहते नहीं ट्रैफिक वाले, और जो ट्रैफिक वाले पुलिस वाले रहते हैं वो छुप के रहते हैं, जिसने हेलमेट नहीं पहना उसको चालान करते हैं पर ट्रैफिक क्लियर नहीं करते। ये हलवा समुदाय को सीट नहीं दी जाती है, आखिर ये सरकारी चाहती क्या है, आखिर ये सरकारी चाहती क्या है? 3% आदमी ये हमारे पूरे 90% लोगों पे राज करेगी और हम चुपचाप अन्याय बर्दाश्त करेंगे। बहुत हो चुका है अन्याय मेरे मुस्लिम भाइयों, 23 सालों से हम साथ में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, आपने बुनकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा हलवा समाज ने भी बुनकरी का व्यवसाय किया है, दोनों समुदाय ने बुनकरी का व्यवसाय किया, सभी जाति समुदाय को वस्त्र पहना है और आज हमारे वस्त्र निकालने का काम ये सरकार कर रही है, आज इन्हें लंबा करने का समय आ चुका है दोस्तों। दोस्तों 23 सालों से हमारे मुस्लिम भाई और हलवा भाई मिलकर आजू बाजू में एक साथ रह रहे हैं, सभी संत त्योहार मना रहे हैं, उसी तरह बाजू में खाटिक समाज रहता है, इन खाटिक समाज के साथ में भी हमारा घरेलू संबंध है। कई खाटिक समुदाय में वो लोग मुझे जवाई बोलते हैं, मैं उनको जवाई संबोधता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जहाँ जन्म हुआ उस समुदाय में मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय, ओबीसी समुदाय, सभी समुदाय हम साथ मिल के रहे हैं, सभी समुदाय में हमने शादी ब्याह और भी रस्मों में एक साथ दिवाली होली और ईद मनाई है, मगर यह सरकार आपस में जाति जाति का भेद करके हमें आपस में फूट डालना चाहते हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को बताना चाहता हूं कि जहां मैं पैदा हुआ मुझे सगी बहन नहीं है, मुझे सगी बहन रहने के कारण आपकी मुस्लिम समुदाय की कुछ मेरी बहनें, कुछ ओबीसी बहनें, कुछ दलित बहनें,
मुझे आज भी राखी बांधती है और आज भी मेरे मुस्लिम दामाद, मेरे दलित दामाद हर साल पूरे परिवार के साथ में हम घर में आते हैं, हम उनके घर में जाते हैं और एक साथ सभी समुदाय सभी परिवार एक साथ वो त्योहार मनाते हैं।